हेलो, हाँ रिंकेश, क्या हाल भाई? बस बस भाई मस्त मजा में। तू बता बढ़िया। बता भाई, पाई अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। ब्रदर सबसे पहले मुझे एक बात बता, तू जो पाई नेटवर्क की माइनिंग का फैसला जो तूने करा था 2019 में, ठीक है, ये फैसला क्या तुझे सही लगता है या गलत लगता है? फैसला सही है भाई, बिल्कुल। बिल्कुल सही फैसला है ना? हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमारी लिस्टिंग होती है तो हाँ हाँ एक अच्छी कीमत मिलेगी इसकी, तो ओके ओके, मतलब दिल ये हाँ गवाही दे रहा है कि ये लिस्टिंग इसीलिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, देख रिंकू, मैं भी इस बात से टोटल एग्रीड हूँ कि मतलब जो 2019 में जो पाई नेटवर्क माइनिंग का जो फैसला लिया गया था, ठीक है, जितने 70 मिलियन पाइनियर्स जो इसके साथ जुड़े हैं, शायद कहीं ना कहीं जो फैसला है ना रिंकू, बिल्कुल सही फैसला है, ठीक है, क्योंकि एक चीज का इंतजार है, वो है लिस्टिंग का, कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, पाई नेटवर्क का सिक्का लॉन्च कब होगा, पाई नेटवर्क का ओपन मेननेट कब आएगा। ठीक है, आज सारी की सारी बातें करते हैं मेरे भाई। पाई नेटवर्क में देख सबसे बड़ी बात क्या है रिंकू, ये मान के चलिए बिटकॉइन भी बन सकता है, ठीक है, ये कोई अच्छा बड़ी बात नहीं है। जो पाई नेटवर्क का जो सिक्का है ना, ये बिटकॉइन को भी बीट कर सकता है, बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें वर्किंग चल रही है ना, इसके हिसाब से लगता है कि हाँ ये सिक्का जो है, ये सिक्का धमाल मचा सकता है मेरे भाई। ठीक है, क्यों लगता है, देख इसका नोड वर्जन अभी रिलीज हुआ है 3-4 दिन पहले, 0.5.0, ठीक है, इसका नया नोड वर्जन आया है, इसका टेस्ट नेट 2 आ चुका है, ठीक है, मतलब ओपन मैननेट से आने से पहले की जितनी भी बग्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी परेशानी है, जितनी भी दिक्कत है, उनका सामना करने के लिए पाई नेटवर्क ने टेस्ट नेट 2 लॉन्च कर दिया है, ठीक है, मतलब ठीक एक है। तरीके से जैसे एक तरीके का ट्रायल जो होता है ना, कि यार हम फील्ड में जाने वाले हैं, और फील्ड में जाने से पहले हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज जो पाई नेटवर्क ने तैयारी कर ली है। ठीक है, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ मेरे भाई, अपने सिक्के को बेचना मत, ठीक है, चाहे तुझे कोई वैल्यू मिले या चाहे वैल्यू ना मिले, ठीक है, मेरी एडवाइस यही है कि शायद अपने को इस सिक्के को होल्ड रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो फिलहाल है ना, उसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं मेरे भाई, जो सिक्का भी हड़प लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है, और पैसे यदि मिलेंगे भी तो एक तेरे को जैसे स्टार्टिंग पे ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पे तेरे से 10 पाई ट्रांसफर करवाते हैं कि आप 10 पाई ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको $40 के हिसाब से पाई का पैसा दे देंगे, स्टार्टिंग पे पैसा दे भी देते हैं, बिल्कुल ठीक दे है, देते हैं, बाद में हाँ, बाद में ये लोग क्या करते हैं कि आपके वॉलेट में जितनी पाई बची हुई है आप वो भी हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम उसके बदले भी आपको पैसा दे देते हैं, तो मेन चीज ये है कि उसके बाद में फिर वो पैसा देते नहीं है, एक ट्रायल वाला पैसा तो दे देंगे, 10 पाई वाला पैसा तो दे देंगे, उसके बाद का जितना भी पैसा है वो पैसा हजम कर जाते हैं। ठीक है भाई, देख रिंकू एक ही चीज का इंतजार है, वो है ओपन मैंडेट का, ओपन मैंडेट एक्सचेंज लिस्टिंग से पहले कुछ भी, नथिंग टू से कुछ नहीं कह सकते कि इसका प्राइस क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रडिक्शन कर सकते हैं अपन कि $100 जाएगा, US$3,14,159 जाएगा। ठीक है, देख भाई काफी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, मतलब डेली हर दिन पाई नेटवर्क के बैक एंड पे कुछ ना कुछ काम होता है, ये मान के चल, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी पाई नेटवर्क ने बना ली है। क्लियर, जी सबसे बड़ी बात, पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है ना, बिटकॉइन के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, किसी चीजों से इम्पैक्ट नहीं होता है, सिर्फ मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और सेलर और बायर के अकॉर्डिंग इसके रेट जो है फ्लक्चुएट होते हैं, इसी तरीके से पाई नेटवर्क का सिक्का है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग यदि कोई बंदा करता है तो उसको भाई बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, काफी सारे इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, मतलब काफी एक्सपेंसिव है बिटकॉइन की माइनिंग करना, बट पाई नेटवर्क क्या है, सिंपल फोन के जरिए बंदा माइनिंग कर सकता है, मतलब 24 घंटे में एक बार बटन दबाना है और माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जी और मेरे भाई देख मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो पाई नेटवर्क काफी सारे मोबाइल एप्लीकेशन मतलब यूटिलिटीज बना रहा है, ये बात मैंने तुझे पहले भी बताई थी कि जो उसका जो मेन जो रोल है ना, वो यूटिलिटी क्रिएशन वाला जो मेन रोल है ना, उसमें आएगा मजा जब इसके एप्लीकेशंस बन के तैयार हो जाएंगे, जैसे कोई एप्लीकेशन आया उस एप्लीकेशन पे यदि अपन पाई नेटवर्क के सिक्के के जरिए लेन देन करेंगे ना, तो शायद एक मजा अलग आएगा। क्लियर, बिल्कुल इसकी जो जी कम्युनिटी है वो स्ट्रांग है मेरे भाई, और
इसके अलावा रिंकू किसी पायनियर्स को, तेरी टीम में किसी पायनियर्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पाई नेटवर्क को लेकर? बस ज्यादातर भाई वो केवाईसी का ही चल रहा है, बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिंकू, मैं भाई जिस किसी भी पायनियर्स को, जो रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार की, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है पाई सपोर्ट को मेल करना। सपोर्ट पोर्टल पे जाना है, सपोर्ट पोर्टल पे सब कुछ है, एवरीथिंग। जो भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो सिंपली सपोर्ट पोर्टल को मेल करना है, जो मेल रजिस्टर्ड अपना जो मेल एड्रेस है उससे मेल करना है, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आज नहीं तो कल उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यदि कोई ठीक अंडर 18 है, या मतलब नेम चेंज का इश्यूज है, या लास्ट वाला स्टेप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या वॉलेट, बस सिर्फ एक चीज का इलाज नहीं है पाई नेटवर्क में, यदि वॉलेट की खो गई है, यदि पासवर्ड की यदि खो गई है ना, तो उसको रिकवर कर पाना मुश्किल है, वो होगा ही नहीं। मुश्किल क्या, वो होगा ही नहीं। ठीक है, उसके लिए नया वॉलेट ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि पाई नेटवर्क के सिक्के में मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से लेकर पाई माइग्रेट टू मेननेट से लेकर कोई भी कोई दिक्कत है ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है भाई मेरे सपोर्ट पोर्टल। क्लियर? ठीक है, इसके ओके। अलावा देख रिंकू, पाई नेटवर्क का टारगेट था मेरे भाई 15 मिलियन केवाईसी का, 10 मिलियन माइग्रेशन का, और 100 एप्लीकेशन का। तो अब ऐसा लग रहा है, अभी कोई फाइनल अपडेट हालांकि आई नहीं है, बट केवाईसी जो है इनकी 15 मिलियन के आसपास टच हो चुकी है। ठीक है, जो इनका ओपन मैंडेट का जो टारगेट था 10 मिलियन माइग्रेशन का टारगेट था, तो 10 मिलियन माइग्रेशन भी शायद कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एक इसका 100 एप्लीकेशन का टारगेट था, तो 100 एप्लीकेशन को भी ये लोग कहीं ना कहीं टच कर लेंगे, ये मान के चल। आप पाई नेटवर्क का सिक्का जो है मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल टोटल कगार पे है, कभी भी लॉन्च हो सकता है। ठीक है ब्रदर, ठीक है तो ठीक वेट है, कर, ठीक इंतजार कर। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर।